कुछ लिखा है और ग्राम प्रधानों को जल संरक्षण को लेकर क्या सलाह दी है, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में दोबारा पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई एनडीए सरकार ने देश के विकास का रोड मैप तैयार करना शुरू कर दिया है। पिछली सरकार में छेड़े गए स्वच्छता अभियान के बाद इस बार सरकार का फोकस जल स्वावलंबन पर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने इस अभियान को लेकर ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर जल संरक्षण की मुहिम के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने की अपील की है। प्रिय सरपंच जी नमस्कार, मुझे आशा है कि आप और मेरे पंचायत के सभी भाई बहन स्वस्थ होंगे। बारिश का मौसम लगभग शुरू होने वाला है। हम भगवान के आभारी हैं कि हम इतने वर्षा के पानी से धन्य हैं। हमें इस पानी के संरक्षण के लिए सभी प्रयास और व्यवस्था करनी चाहिए। आपसे निवेदन है कि पानी को कैसे संग्रहित किया जाए, ग्राम सभाओं में इस विषय पर चर्चा करें। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी बारिश के पानी की एक एक बूंद को संग्रहित कर सकते हैं। नीति आयोग की बैठक के दौरान पीएम मोदी ने बारिश के पानी के संग्रहण के मुद्दे को विशेष रूप से उठाया, ताकि देश के बड़े हिस्से के जल संकट की समस्या से निपटा जा सके। अपने इस अभियान को लेकर जल शक्ति मंत्रालय ने जल संकट की स्थिति का आकलन करने के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। चलिए, पीएम मोदी तो पहल कर रहे हैं, लेकिन इधर यूपी पुलिस की भी बड़ी पहल देखने को मिली है। जो